क्लासेज मैं हूं रिचा श्रीवास्तव। मैं आपका क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी के चैप्टर्स कंप्लीट कर रही हूं, जिसमें मैंने आपके दो चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। ये आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या सेल, दूसरा चैप्टर था टिश्यू, और ये तीसरा चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें मैंने आपके पांचों किंगडम जो थे उसमें से मैंने चार किंगडम बता दिया है। ये पांचवा किंगडम आपका है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें आपको किंगडम एनिमल जैसे प्लांटी को कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, सेम उसी तरीके से किंगडम एनिमेलिया को भी कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें मैंने आपको दो फाइलम कंप्लीट कर दिया है, फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, ये तीसरा फाइलम है आपका फाइलम प्लैटीहेलमिंथी। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। तो प्लैटीहेलमिंथीज जो होते हैं उन्हें प्लैटीहेलमिंथीज बोला क्यों जाता है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली सिमेट्रिकल होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लैटीहेलमिंथीज। मतलब क्या हुआ, प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म। जिनकी बॉडी फ्लैट होती है, ऐसे वर्म्स जिनकी बॉडी फ्लैट होती है या देखने में चिपटी दिखाई देती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लैटीहेलमिंथीज बोलते हैं। ठीक है, अब प्लैटीहेलमिंथीज जो होते हैं उनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। डोर्सो वेंट्रली का मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी भी आगे से देखने पे ये जो दो पार्ट है, एक आगे और एक बैक साइड होता है। ठीक है, तो आगे से देखने पे भी फ्लैट हो और पीछे से देखने पे भी ये हमारा जो बैक पोर्शन है वो भी फ्लैट दिखाई दे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। डोर्सल मतलब पीछे का साइड और वेंट्रल मतलब आगे का साइड। ठीक है, ये जो आगे का पार्ट हमारा दिखाई दे रहा है ये वेंट्रल साइड है, और जो पीछे का जो फ्रंट रीजन होता है उसे हम डोर्सल साइड बोलते हैं। ठीक है, तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब ही यही हुआ कि जिनकी बॉडी आगे यानी कि सामने और पीछे से देखने पे बिल्कुल चपटी दिखाई दे, इस तरीके से दिखाई दे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। और उन्हें ही किस ग्रुप में रखा गया है, प्लैटीहेलमिंथीज में, या इसे फ्लैटवर्म भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा करेक्टर क्या है कि ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था एक जो होते हैं एक सिमेट्रिकल, जिनकी बॉडी किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं हो सकती, मतलब उन्हें किसी भी तरीके से काटा जाए वो इररेगुलर ही हमें दिखाई देंगे, जैसे फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो पहला फाइलम जो था उनकी बॉडी कैसी थी, बॉडी ए सिमेट्रिकल थी। दूसरा फाइलम फाइलम सिलेंट्रेटा था, जिसमें मैंने बताया था कि इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है, मतलब किसी भी तरीके से इनकी बॉडी को काटा जाए तो ये हमेशा बराबर भागों में ही डिवाइड होंगे। ठीक है, ये थर्ड फाइलम है आपका फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज। प्लैटीहेलमिंथीज की जो बॉडी होती है वो बाइलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब उनको बीच से काटा जाए तो वो दो बराबर भागों में ही डिवाइड होंगे। ठीक है, बाइलैटरली मतलब लैटरली जब उनको काटा जाए तो वो दो भागों में डिवाइड हो जाए तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बाइलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, लैटरली ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं। ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता क्या है। देखो, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी लेयर से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, किसी में दो लेयर होती है, किसी में तीन लेयर पाई जाती है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि हमारी बॉडी में थ्री लेयर हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी में दो ही लेयर पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, मतलब उनमें जो दोनों लेयर होगी, पहली लेयर है एक्टोडर्म की और दूसरी लेयर है क्या, एंडोडर्म की। ठीक है, जो एक्टोडर्म होता है वो बनाता है हमारा स्केलेटन। ठीक है, और जो एक्टोडर्म होता एंडोडर्म जो होता है वो अंदर की लाइनिंग बनाने का काम करता है। ठीक है, ये दो लेयर हैं। पहला डिप्लोब्लास्टिक होता है, उसमें दो लेयर पाई जाती है, एक होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है वो हमारी बॉडी के स्केलेटन को या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के स्केलेटन को बनाने का काम करेगी, और जो एंडोडर्म होता है वो अंदर की लाइनिंग को बनाने का काम करता है। ठीक है, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात आती है, इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों बोलते हैं, ट्रिप्लो का मतलब ही होता है तीन। ठीक है, जिनकी बॉडी थ्री लेयर में डिवाइड हो। ठीक, अब इनकी बॉडी, ये जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि प्लैटीहेलमिंथीज, इनकी बॉडी थ्री लेयर्स में डिवाइड होती है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि कैसे। ठीक,
ठीक है। सबसे पहले देख लो एसिलोमेट नेचर के होते हैं ये। एसिलोमेट का मतलब क्या हुआ कि इनकी बॉडी में कोई भी सीलोम नहीं पाया जाएगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं एसिलोमेट। सीलोमेट का मतलब ही होता है, सीलोम का मतलब ही होता है कैविटी, ठीक है। इनकी बॉडी में कैविटी नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं एसिलोमेट बोलते हैं, ठीक है। ये भी अभी बताएंगे कि सीलोम क्यों नहीं होता है इनमें। ये देखो मेन पॉइंट यहाँ पर है कि इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अभी तक मैंने जो दो फाइलम बताए थे आपको, पहला जो फाइलम था फाइलम पोरीफेरा, उसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनसे डेवलपमेंट किसका हुआ, सिलेंट्रेट्स का। उनमें किस तरह का डेवलपमेंट पाया जा रहा था, टिश्यू लेवल ऑफ, मतलब सेल से किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया। थर्ड जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अब सिलेंट्रेट से डेवलपमेंट किसका हो गया, प्लैटीहेलमिंथीज का, और इनमें ऑर्गन्स का भी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग फंक्शनिंग के लिए, सेम उसी तरीके से इनमें भी ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, स्टार्ट हो गया है। मैंने ये बोला कि स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी इनमें कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी केवल स्टार्ट हुआ है। तो इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब इनमें ऑर्गन का भी फॉर्मेशन होने लगा। तो अगर बॉडी के अंदर ऑर्गन का फॉर्मेशन होने लगा है तो जाहिर सी बात है कि ये कैसे होंगे, इनके अंदर बॉडी में कैविटी नहीं पाई जाएगी, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं एसिलोमेट बोला जाता है। आप समझ में आया एसिलोमेट का मतलब क्या है, क्योंकि इनकी बॉडी में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं एसिलोमेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, मतलब इनकी बॉडी, मैंने बताया अभी कि अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो उनमें टू लेयर्स होंगी, टू जर्म लेयर्स होंगी, और अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इनकी बॉडी में थ्री जर्म लेयर्स होंगी, ठीक है। पहली जर्म लेयर है एक्टोडर्म, दूसरी जर्म लेयर या सबसे अंदर की जो लेयर है वो है एंडोडर्म, लेकिन एक बीच की भी लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं मीजोडर्म बोलते हैं, ठीक है। मीजोडर्म का मतलब क्या हुआ, एक्टोडर्म क्या करता है, ये हमारी बॉडी में स्केलेटन का बनाने का काम करता है, मीजोडर्म ऑर्गन्स बनाने का काम करता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ऑर्गन प्रेजेंट है इसीलिए यहाँ पर मीजोडर्म की लेयर प्रेजेंट होगी, क्योंकि यही मीजोडर्म की लेयर हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या बना रही है, ऑर्गन बनाने का काम कर रही है, ठीक है। और थर्ड लेयर कौन सी होती है, एंडोडर्म, जो कि इन ऑर्गन्स की लाइनिंग को बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ये तीन लेयर होती हैं, इसकी वजह से इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो ये कई नेचर के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं पैरासिटिक, एक होते हैं फ्री स्विमिंग या फ्री लिविंग, और एक होते हैं जो कि अर्थ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पैरासिटिक होते हैं उनमें उन्हें अगर सरवाइव करना है किसी भी बॉडी, पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रह करके उनसे फूड मटेरियल को लेना, तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहना है उन्हें तो कुछ बेस तो होना चाहिए जिससे वो जाकर के स्टिकी हो जाएं। तो उस बेस से वो जाकर के स्टिकी जिस ऑर्गन की या जिस बॉडी ऑर्गन की हेल्प से ये स्टिकी होंगे उसे हम क्या बोलते हैं हुक्स एंड सकर्स बोलते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी में हुक्स पाए जाते हैं, जैसे हुक होता है ना जिसकी वजह से कोई भी सामान हम आसानी से टांग सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से इनकी बॉडी में भी हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, मतलब जिसमें भी ये लिविंग होंगे, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये रहेंगे, उनके अंदर सर्वाइव करेंगे, उनमें जाकर के ये उनकी बॉडी से स्टिकी हो जाते हैं जहां पर उन्हें सर्वाइव करना होता है, ठीक है। तो हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स, ठीक है। केवल पैरासिटिक फॉर्म्स ऐसे हैं जिनमें हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो उस पैरासाइट पर आसानी से रह करके उनसे फूड मटेरियल ले सके, ठीक है। अब देखो मैंने बताया कि यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इनको एक और चीज की वजह से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि फ्लेम सेल्स किस में पाए जाते हैं, तो फ्लेम सेल्स क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स हमेशा प्लैटीहेलमिंथीज में पाए जाएंगे, ठीक है, प्लैटीहेलमिंथीज में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ
ये फ्लेम सेल्स जो हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी ये फोर ऑप्शंस दिए होंगे, फोर फाइलम के नाम दिए होंगे, और उसमें क्वेश्चन ये पूछा रहता है कि फ्लेम सेल्स किस फाइलम में प्रेजेंट होते हैं, और कभी कभी इनकी फंक्शनिंग भी पूछ लेता है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोगों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या पाया जाता है, किडनी होता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से इनमें भी एक्सक्रीशन के लिए क्या पाए जाते हैं, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, वाटर की एंट्री करना या बाहर निकलना, ये जो प्रोसेस हो रही है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये प्रोसेस को कंट्रोल कहाँ से किया जाता है, इसी फ्लेम सेल्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसका नाम क्या है, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल में फ्लेम सेल जो होते हैं वो इनमें ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है टीनिया, दूसरा फैसियोला। ये फैसियोला को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, लीवर फ्लूक भी बोलते हैं। ये लीवर में रह करके फूड मटेरियल को लेता है, इसीलिए इसे लीवर फ्लूक बोलते हैं। टीनिया सोलियम जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स में पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये फ्लैटवर्म या ये टीनिया सोलियम का ही है, ठीक है। तो टीनिया सोलियम या इसे टेपवर्म भी बोलते हैं। ये टेपवर्म क्या करता है, ये रिबन लाइक होता है। रिबन देख रहे होंगे आप, ये रिबन लाइक आपको दिखाई भी दे रहा है। रिबन क्या होता है, आगे पीछे दोनों साइड से चिपटा होता है, तो सेम उसी तरीके से ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, टेपवर्म बोला जाता है, ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं, फाइलम प्लैटीहेल्मिंथीस। प्लैटीहेल्मिंथीस का मतलब ही होता है फ्लैट वर्म। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिंथ्स का मतलब होता है वर्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे इस फाइलम में इस टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं जिनकी बॉडी में, जिनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। या ऐसे वर्म्स पाए जाते हैं जिनकी बॉडी फ्लैट होती है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्लैटीहेल्मिंथीस बोला जाता है, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब क्या हुआ कि आगे से और बैक साइड से, दोनों साइड से इनकी बॉडी कैसी होगी, फ्लैट होगी, इसीलिए इसे बोला गया कि ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी को लैटरली कट किया जाए तो ये दो बराबर भागों में ही केवल डिवाइड हो सकते हैं और किसी भी भाग से वो डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए इसे बाइलैटरली सिमेट्रिकल बोला जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं, मतलब इनमें थ्री जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। पहली है एक्टोडर्म जो कि इनमें स्केलेटन का फॉर्मेशन करती है, दूसरी है मेजोडर्म जो कि इनमें ऑर्गन्स बनाती है, इसीलिए इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और तीसरी लेयर जो होती है वो एंडोडर्म होती है जो कि इनमें ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग को बनाने का काम करती है, ठीक है। फिर है एसिलोमेट नेचर के होते हैं ये। एसिलोमेट का मतलब क्या हुआ कि अगर इनमें ऑर्गन बन रहा है तो यानी कि इनकी बॉडी में कोई भी कैविटी नहीं दिखाई देगी। अगर ऑर्गन्स नहीं होते तो यानी कि ये सिलोमेट होते। अभी इसके पहले जो मैंने फाइलम पढ़ाया था सिलेंट्रेटा, उसका नाम ही सिलोम प्रेजेंट होने की वजह से ही सिलेंट्रेटा पड़ा, ठीक है। तो इनमें सीलोम प्रेजेंट है इसलिए इन्हें सिलेंट्रेटा बोलते हैं, और इनमें सीलोम नहीं प्रेजेंट होता है क्योंकि इनमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें एसिलोमेट एनिमल्स बोलते हैं या ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं ये मैंने बता दिया। अब ये फ्री लिविंग भी होते हैं क्योंकि ये कभी कभी फ्रीली भी मूव करते हैं, और अगर ये पैरासाइट है यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग या किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह करके ये फूड मटेरियल ले रहे हैं अपना, तो उनमें उनकी बॉडी में रहने के लिए इनको किसी बेस से स्टिकी होने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसी वजह से इनमें क्या पाए जाते हैं, हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये किसी बेस से जाकर के स्टिकी हो जाते हैं, ठीक है। फिर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के लिए। इनमें एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब प्लैटीहेल्मिंथीस एक ऐसा फाइलम है जिसमें फ्लेम सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि प्लैटीहेल्मिंथीस या कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, तो फ्लेम सेल्स हमेशा प्लैटीहेल्मिंथीस में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अभी आगे और भी कंफ्यूज करने वाले फाइलम है आपके सामने, इसलिए ये याद रखिएगा कि प्लैटीहेल्मिंथीस में फ्लेम सेल्स
प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक। और अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं कुछ समझ में आया होगा, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं यही टॉपिक फिर से वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, या कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से वापस से कोई भी फाइलम जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है वो मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।